गर्मी की शुरुआत होने के पूर्व ही ग्राम कोदरिया पानी के संकट से जूझने लगा है। इसके साथ ही यहां की नर्मदा लाइन भी काट दी गई है, जिससे ग्राम वासियों को पानी के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है। महू के समीप ग्राम कोदरिया की सरपंच अनुराधा जोशी बताती है कि टैक्स नहीं भरने की वजह से नर्मदा लाइन काट दी गई है। दरअसल 25 सालों से यहां का टैक्स नहीं भरा गया है, जिसका भुगतान 13 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। यह कारण है कि नर्मदा लाइन काट दी गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ग्रामवासियों को चोरल डैम का पानी 2 दिन छोड़कर दिया जा रहा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, जिससे ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई पत्र भी नहीं आया है, पर जब मैं कमिश्नर साहब के पास गई थी तो उन्होंने कहा था कि आपका टैक्स काफ़ी बाकी है, आप टैक्स जमा कर दीजिए तो हम पानी चालू कर देंगे। जब से नर्मदा आई है तब से अभी तक का 2019 तक का हो गया है 13 करोड़ टैक्स जमा करना। इतने 25,000 की जनसंख्या है कोदरिया की। अच्छा। नर्मदा का पानी तो सभी पीते हैं, सभी प्रभावित हैं। बता दें कि कोदरिया गांव की जनसंख्या 25,000 है, जिनके सामने पेयजल की समस्या खड़ी है। ग्रामीण बताते हैं कि पानी की पूर्ति करने के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है। एक गांव था, छोटा सा गांव था, अब यह कॉलोनी बहुत हो गई। कॉलोनी बाहर के लोग आने के बाद में हमको क्या है कि पानी वहां सप्लाई दे रहे हैं जहां पैसे वाले रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं कॉलोनी के लोग, वहां पैसे देते हैं वहां चले जाता पानी। और जो मध्यम घर के गरीब तत्व के लोग रहते हैं, नल नहीं चलती, 15-15 दिन की जेब में नल मिलती है और पानी भी ऐसा मिलता है कि नीचे बराबर। अब उसके बावजूद है कि अब जो नर्मदा पाइपलाइन थी, कनेक्शन था, आज 13 करोड़ कर्जा कर लिया। JSR टाइम्स के लिए महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।